पनामा स्कैंडल में नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई, सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। नैब ने आमदन से ज्यादा 700 और ऑफशोर कंपनी स्कैंडल में अलीम खान को तलब किया, 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। शवाहद के हवाले से नैब को मुतमईन ना करने पर अलीम खान को गिरफ्तार किया गया। डीजी नैब का बयान, नैब में पसंद नापसंद का तस्वर नहीं, करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी, तमाम मेगा करप्शन मुकदमात की मेरिट पर तहकीकात जारी रहेंगी। डीजी नैब शहजाद सलीम। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने इस्तीफा दे दिया। अलीम खान ने इस्तीफा वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया। मुकदमात का सामना करूंगा, अदालत से इंसाफ की उम्मीद है, अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। वजीर आजम इमरान खान को अलीम खान की गिरफ्तारी की खबर बनी गाला में मिली। वजीर आजम की अलीम खान को कानूनी रास्ता इख्तियार करने की हिदायत, अलीम खान की गिरफ्तारी पर कानूनी ऑप्शन इख्तियार किए जाएंगे। नैब ने अलीम खान को तहकीकात के लिए हिरासत में लिया, दूसरी बार नैब में पेश हुए लेकिन तहरीक इंसाफ ने कोई चीखो पुकार नहीं की। नैब को किसी भी शख्स को तलब और गिरफ्तार करने का इख्तियार है, नैब असासों से मुतालिक तफ्तीश करेगा। सूबाई वजीर इत्तला'आत फ़याज़ुल हसन चौहान। नैब को हर किस्म का रिकॉर्ड फराहम किया, अलीम खान हर कंपनी का टैक्स अदा करते रहे। कंपनी कानून के मुताबिक है, करप्शन की होती तो हमजा शहबाज की तरह अबूरी जमानत के लिए अदालत से रजू करते। वकील अलीम खान अजहर सदीक एडवोकेट, अलीम खान को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब हुकाम 15 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। वारिस अली जंजुआ नए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। आशियाना और रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत, नैब ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल से शहबाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं, वकील शहबाज शरीफ, लीगी रहनुमा परवेज मलिक, राना मोहम्मद इकबाल, मलिक अहमद खान, ख्वाजा इमरान नज़ीर और मुजतबा शुजाउर रहमान समेत दीगर रहनुमा अदालत में पेश। पंजाब काबीना का इजलास 8 फरवरी को तलब, वजीर आला उस्मान बुज़दार सदारत करेंगे। इजलास में भर्तियों से पाबंदी उठाए जाने का इम्कान, महकमों से मुतालिक अहम फैसले भी होंगे। कारोबार के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े इकदाम, हुकूमत पंजाब का लोन मार्कअप सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। क्रेडिट गारंटी स्कीम में 3 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की मंजूरी। बैंकों से कर्जों की मद में हुकूमत 3.5% मार्कअप बर्दाश्त करेगी। मियां असलम इकबाल। मानसून से कबल ड्रेनों की सफाई का अमल, भारी मशीनरी के जरिए सिटी ड्रेन से मिट्टी निकालने का अमल जारी। एलओएस और गुलबर्ग ड्रेन की सफाई का काम भी जारी।